मैं आज गोवा गया था। हमसे हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब भी थे, जॉइंट डायरेक्टर साहब भी थे, हमारे डीएसओ थे, डीपीएम थे, मैं था, सभी लोग थे, पूरी टीम थी। वहां जाके देखा तो वहां लोगों ने ये बताया कि जो डॉक्टर थे वो तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने अटेंड भी किया है, लेकिन वो उन्होंने ये बताया कि बीएमओ साहब को मैंने बुलाया था तो बीएमओ साहब नहीं आ पाए। तो उसके बारे में मैंने बीएमओ से और सभी से मीटिंग ली थी और वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, उनको भी मैंने जो व्यवस्थाओं में कमी थी उसको तो मैंने पूरा कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं और मैंने एक टीम गठित कर दी है और वो टीम 5 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट देगी कि किसकी कहाँ क्या गलती थी, वास्तविकता क्या था उसके हिसाब से। हालांकि विधायक ने मूंगफली शिकायत की है कलेक्टर से, तो प्रथम दृष्टि देखने में क्या? वो तो देखिए जैसा कि उन्होंने बताया है हमारे डॉक्टर्स ने कि वो कार्डियक पेशेंट था, कार्डियक उसकी वजह से उनको अरेस्ट आया और वो खत्म हुए। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और वास्तविकता और भी क्या है ये सब निकल के आएगा। हमने जो रिपोर्ट वो बनाई है, अपनी टीम बनाई है उसमें, और हमारे आरडी साहब ने और जेडी साहब ने भी पूरी वहाँ पे मीटिंग ली और डिटेल में सबसे बात। ये विधायक का कहना था अगर बीएमओ साहब आ जाते तो हमारे जान बच। नहीं, बीएमओ साहब एक सपोर्टिव के लिए बोला रहे थे वो कि बीएमओ साहब आ जाएं तो वो और भी व्यवस्थाएं अगर हैं तो उनको बना लें, कहीं 108 गाड़ी के लिए बुलाने के लिए बोल रहे थे, डॉक्टर वो काम कर रहे थे, एक और हो तो दूसरा भी सपोर्टिव में आ जाए। कहा जा रहा था कि अगर वहां पर प्राइवेट क्लिनिक पर ज्यादा ध्यान दिया होता पीएमओ के द्वारा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रिचर करने आ पाए क्या पाया है? मैं आया यहाँ पे, देखा मैंने व्यवस्थाएं के बारे में, मेरे पास शिकायतें आई थी, चिकित्सक यहाँ नहीं रहते हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा की है चिकित्सकों से और उसका निराकरण करेंगे। हम बायोमेट्रिक मशीन लगाएंगे यहाँ जिससे कि उनकी अटेंडेंस जो सुनिश्चित हो, सुबह शाम दोनों टाइम बराबर यहाँ डॉक्टर मिले। और कुछ यहाँ एक समस्या है जैसे मेटर्निटी में है, वहाँ लेडी डॉक्टर हमारी छुट्टी पर गई हुई है, इस वजह से वो व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन उसके लिए हम कहीं दूसरी जगह से व्यवस्थित करेंगे। एक डॉक्टर को हमने यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा है, हमारे सीएमएचओ ने अटेंड से भेजा है, तो उनको हम ट्रेन करके वो आ गई है, उन्होंने ज्वाइन भी कर दिया है। और बाकी यहाँ दवाओं की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर मुख्यालय में होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अपने डॉक्टर से, और जो नहीं रहते उनके आगे विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उनको एक नोटिस देंगे, उसके बाद अगर नहीं सुधरते तो कार्रवाई करेंगे। महंगी दवाइयाँ सर मेडिकल से लिखी जाती हैं और यहाँ वो जो दवाइयाँ हमारे यहाँ सारी उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दवाइयाँ हमारे यहाँ नहीं है, अगर फिर भी कोई लिखता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उनको नोटिस देंगे, उसके बाद उनको कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल में बने हुए डॉक्टरों के क्वार्टर अक्सर देखा जाता है, हॉस्पिटल छोड़ के क्वार्टरों में बैठते तो आप फीस लेकर मरीज में देखा है? देखो फीस लेने का तो सिस्टम ये है कि घर पे अपने जो रेजिडेंस पे कंसल्टेशन अलाउड है शासन का नियम है, अगर वो घर पे अस्पताल समय के बाद अगर करता है तो वो गलत नहीं। कल की बात है सर, यहाँ एमएससी आई थी हॉस्पिटल, डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उसको पढ़ाने क्वार्टर पे जाना पड़ा। नहीं, एमएससी तो अस्पताल में ही होना चाहिए, गलत है, अगर वहाँ किया है तो गलत है, कार्रवाई करेंगे। लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन होते हुए भी यहाँ पर कोई ऑपरेटर ना होने के कारण लोगों को भाग जाना। अल्ट्रासाउंड की स्थिति यह है कि रेडियोलॉजी पूरे मध्य प्रदेश में 58 जिले हैं, उनमें से मुश्किल से 20 जिलों में रेडियोलॉजिस्ट हैं, समझ रहे ना, बाकी सारे जिले खाली हैं, कहीं पे नहीं है, हमें हायर करके डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। अगर अपने को एक डॉक्टर ग्वालियर से आके यहाँ डॉक्टर पे तो
Thank you.